दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, शाम के बजे 5, तो अभी मम्मी जी जाएंगे अपने मामा के घर। उनके मामा के घर भी शादी पड़ा है और मैं कल निकलूंगी। और समझ नहीं आ रहा मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं। लहंगा तो ज़रूरी है, तो इसे मैं ट्रॉली बैग ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि बैग वगैरह में तो लहंगा आएगा नहीं, इसलिए ट्रॉली बैग में ही रखना पड़ रहा है। और कुछ मैं हल्दी वगैरह और मेहंदी के लिए साड़ी रखी, और डुगू के लिए कपड़े रखी, नए वाले भी और रेगुलर पहनने वाले भी सारे रखी हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पैकिंग होने के बाद फिर बालों में मेहंदी लगाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अपने फेस पर स्क्रब करिए, उसके बाद दूध की मलाई से मसाज करिए, और उसके बाद जो घर के घरेलू चीज़ें होती हैं, मैदा और हल्दी, हनी, यही सब, चावल का आटा, यही सब, इसका लेप बना के चेहरे पर लगाई थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं घर पर ही ये यूज़ करी थी। और कुछ देर तक यूज़ करी, मेरे चेहरे पर काफ़ी ग्लो आ गया था। तो सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे है, तो जैसे कि आज मैं बहुत जल्दी सुबह 5 बजे 4:30 बजे के करीब उठ गई थी, और बहुत ज़्यादा काम था तो मैं शूट नहीं करी। डुगू को भी मैं नहला दी हूँ बाल धो के, तभी ये भी न्यू कपड़ा पहनेगा। मैं भी नहा चुकी हूँ बाल धो के, तभी पार्लर भी जाना है, तो पार्लर में ज़्यादा टाइम लगता। मेरे को वैक्स भी करवाना था, लेकिन मैं घर पर ही बाल रिमूव कर चुकी हूँ। तो स्प्रे वाला है, तभी आप सभी को दिखाऊंगी क्या नाम है उसका। तो उसे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगा था, सिर्फ पार्लर में जाते तो 1 से 1.5 घंटा लगता फेसियल भी कराने में। तो मैं रात को ही मतलब चेहरे पे मलाई से वो कर ली थी, मलाई से थोड़ा मसाज कर ली थी, और थोड़ा बेसन और मैदा, हल्का सा चावल का आटा, हल्दी और हनी मिक्स करके उसका बैटर तैयार करके लगाई थी, तो थोड़ा सा निखार आ गया है। नहीं तो पार्लर में जाती, मन था जाने का लेकिन टाइम ही नहीं था उतना मेरे पास, तो इसी वजह से रात को ये सब मेरे को करना पड़ा। तो पैसे की बचत हो गई और टाइम की भी बचत हो गई। तो अब बस मेरे को आईब्रो बनवाना है, आईब्रो बस मेरे को नहीं आता है, और सब चीज़ें तो मैं घरेलू उपायों से ही कर लेती हूँ, अगर टाइम की बचत करना हो तो। तो दोनों की बचत हो गई है, पैसे की भी है एक टाइम की भी। तो बस इसके पापा आएंगे तो बस आईब्रो बनवाना है। बिंदी नहीं लगाई हूँ क्योंकि जाना है आईब्रो बनवाने, इसलिए नहीं लगाई, और हल्का सा सोच रही हूँ मैं खुद ही बाल काट लूँ, बस बराबर ही तो करना है, देखते हैं क्या होता है। और खाना मैं बना चुकी हूँ, सब्जी चावल बनाई, रोटी नहीं बनाई क्योंकि सिर्फ देवर जी और पापा जी है खाने के लिए, तो बस उन्हीं के लिए बनाई हूँ खाना। और सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है मेरी, और घर की सफाई तो मेरी सुबह ही हो चुकी थी, अब बस रेडी होना है मेरे को फटाफट। 9 बज गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। देखिए मेरा खाना बन चुका है, चावल और सब्जी। और समझ नहीं आ रहा था, मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। पैकिंग हो गई है, बस डुगू के पापा की पैकिंग नहीं हुई है, सारे प्रेस वगैरह मैं करके रख दी हूँ, बस पैकिंग करनी है। तो डुगू के पापा की इसमें पैक होगा सारा कपड़ा, और एक ट्रॉली बैग हो गया है, और एक ये वाला ऊपर वाला बैग हो गया है। तो वैसे कम करते करते फिर भी एक डुगू के पापा की हो जाएगी, और एक ट्रॉली बैग हो जाएगा, एक ऐसे नॉर्मल वाला बैग हो जाएगा, 3 तो हो ही जाएगा। अभी छोटा, अभी चार्जर वगैरह, अभी कुछ मेकअप के सामान वगैरह ये अभी रखना ही है, तैयार होने के बाद ही ये सब मैं रखूँगी। तो अभी मैं ये वाली साड़ी पहन ली क्योंकि पार्लर जाना है आईब्रो बनवाने के लिए, इसी वजह से। तो मेरा बेश बिस्तर वगैरह खराब हुआ था, तो इसे भी मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दी हूँ। और थोड़ा बहुत डुगू चीज वगैरह खाया था, गंदगी किया था, तो अभी फटाफट झाड़ू लगाई हूँ। और चाय पिए हैं तो जा रही हूँ, 2-3 बर्तन है उसे धो लेती हूँ फटाफट, और इस डुगू के पापा को फोन करती हूँ कि आ जाइए पार्लर ले चलिए। तो फिर जब मैं रेडी होंगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि इतना सा भी टाइम नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि मैं ये पैक कर रही हूँ, ये पैक कर रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतने दिनों से लग रहा था क्या पैक करना है, जब पैकिंग करने बैठी ना दिमाग खराब हो गया, क्या रखूं क्या नहीं रखूं, कुछ समझ नहीं आया। जो मेरे को समझ में आया मैं रख ली हूँ, अब वही देखा जाएगा जो देखा जाएगा। और ऊपर से ना बाइक पे तो सामान आ नहीं पाएगा, कहाँ सामान रखेंगे, कहाँ बैठा जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी हो गई थी।
तो डुगू के पापा की फ्रेंड है तो वो कह रहे थे हम छोड़ आएंगे, उनकी अपनी कार है तो उसी से ही हम लोग जाएंगे। तो बात बात की है, उन्हें भी शादी में जाना है, बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं, उन्हीं की वजह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो आराम से जाते, तो बाइक से सामान नहीं जा पाएगा, मेन प्रॉब्लम यही है सिर्फ। तो जा रही हूँ मैं फटाफट रेड पार्लर से आती हूँ, फिर आप सभी से मिलते हूँ। अभी पैरों में महावर भी लगाना है, पायल वगैरह बिछिया वगैरह ये चेंज करके पहनना है, बहुत ज़्यादा काम है। अगर मेरे से बनेगा तो मैं शूट करके आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगी। अब ऐसे व्लॉग में बने रहिए, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं पार्लर आ चुकी हूँ, तो मेरा आईब्रो बन चुका है, बस बाल को बराबर करवाना है। तो मैं सोची फटाफट करवा लेती हूँ, नहीं तो अकेले में करती रह जाऊँगी। तो सिर्फ बाल को बराबर करना है, कुछ कटिंग वटिंग नहीं करवाना है, और करवा के सीधा घर पहुँच के मेरे को फटाफट रेडी होना है, क्योंकि इनके दोस्त की बार बार कॉल आ रहा है इसी वजह से। तो मैं इनको कह रही हूँ जल्दी से मेरा बाल काट दीजिए। और डुगू के पापा गए हैं घर पर नहाने, वो बोले हैं जब तुम्हारा हो जाएगा तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। तो इधर मेरा सब बाल वगैरह कट चुका है, तो इधर अपना डस्टिंग वगैरह कर रही हैं पार्लर वाली, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। तो मैं फ़ोन की थी तो कह रहे हम आ रहे हैं, तो आराम से यहाँ बैठ के देख रही हूँ मैं। तो आप सभी से मैं घर पहुँच के रेडी होने के बाद फिर मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट रेडी हुई हूँ, कंघा भी मैं सही से नहीं करी, जैसे था वैसे ही मैं लगा ली क्लेचर, और बस हल्का फुल्का मेकअप की हूँ, ज़्यादा हाई फाई मतलब नहीं करी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, इनके दोस्त को जाना था शादी में इसी वजह से। तो फटाफट रेडी हो चुकी हूँ, अब निकल रहे हैं लाइट वगैरह बंद करके। अब पापा जी भी आ गए हैं मार्केट से, मतलब सुबह गए थे सामान लेने दुकान के लिए, तो एन मौके पर आ गए पापा जी, नहीं तो ताला लॉक करके जाना पड़ता किसी को चाबी देके, लेकिन पापा जी आ चुके हैं। तो मैं पापा जी का पहले आशीर्वाद ले लूँगी, क्योंकि कहीं भी जाओ बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इनके दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं कि जल्दी चलिए भाभी, और नमस्ते कर रहे थे। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। निकाल दूंगी इसे कल, मैं तो पहन नहीं रही थी, यही बोले पहन लो, खाली है ही लियो, है लियो। नहीं आज ही जाके निकाल दूंगी, हाँ पिलोल करके रखे हैं। कलर लगा के सुनिए यहाँ पे, नहीं तो ताला से मम्मी जी का बक्स में देख लीजिएगा, मेरे जंगल का एक ताला चाबी है, अगर मम्मी जी का बक्स में नहीं आएगा तो लगा दीजिएगा। चलो दुगु नमस्ते करो, बाबा को पैर छू कर नमस्ते करो, चलो आए दो दिन हो गया दिखाएगा, बाय करो बाबा को, बाय करो, बाय बाबा, बाय बाबा, बाय बाबा, बाय बाबा, पूछे दो, पूछे दो, मैंने तो पूछे दो।
तो सारा सामान रखा चुका है, माँ बेटे गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं दुल्हन बन चुकी हूँ पल्ला करके। तो अभी हल्का सा नीचे और पल्ला करूँगी और डुगू का भी कंघा भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी रास्ते में जाऊँगी तो गाड़ी में ही बैठे बैठे इसका कंघा करूँगी। तो अपने पापा को बाय कर रहा था, किसी वगैरह कर रहा था, तो इसके पापा थोड़ा इमोशनल हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको दादा और दादी मानते हैं ना, इसी वजह से तो चाहते नहीं कि नाती कहीं दूर जाए, इसी वजह से थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो डुगू को थोड़ी सी भूख लगी थी और मैं भी कुछ नहीं खाई थी, सिर्फ चाय पी थी, खाना तो बन चुका था लेकिन इतनी जल्दी जल्दी मैं कुछ खाए नहीं, या ना ही डुगू के पापा खाए हैं। तो इधर मिठाई खरीदे हैं और मिठाई के साथ पानी पीने के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदे हैं। तो सभी लोग आराम से बैठ के खा के फिर निकलेंगे। तो खाने के बाद सभी लोग निकल गए फिर, और थोड़ी सी ट्रैफिक वगैरह भी थी और हवा बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। 11 या 11:30 बजे के बाद ना गांव में बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, तूफान जैसे, मतलब कि ऐसे ही आते हैं बाइक से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ये सुकून मनाइए गाड़ी मिल गई तो उसी पर आए हैं तो आराम से आ गए। तो इधर आते ही भाभी पैरों की मालिश करने लगी, जैसे कि ये रस्म होता है कि मायके या मामा के घर जाते हैं तो मामी हो या भाभी लोग हो जो भी हो तो ये मालिश करते हैं, ये नियम है। तो भाभी कर रही थी, मैं साड़ी नीचे कर रही थी, बार बार हटा दे रही थी ऊपर की तरफ, तो मैं बोली शूट कर रही हूँ भाभी, तो फिर नहीं हटाई। तो इधर डुगू बैठा हुआ है, किसी के पास नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा घुलने मिलेंगे में बच्चों को टाइम लगता है, इसी वजह से। तो इधर इसकी नानी कह रही थी चश्मा पहन के दिखाओ, तो अपनी नानी को चश्मा पहन के दिखा रहा था लेकिन किसी के गोदी नहीं जा रहा था, सिर्फ मेरे में चिपक रहा था ये अपने पापा के पास। तो कोई भी बुला रहा था ऐसे चिढ़ रहा था। तो ये देखिए मम्मी बोल रही थी कि जो सामान लेके आई हो दुल्हन के लिए तो दे दो। तो ये मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी मैं ये सामान लेके आई हूँ, तो ये देखिए सारा सामान मैं रख दूँगी। और श्रृंगार का A to Z सामान रखा जाता है दुल्हन का, और लड़का का भी सारा सामान रखा जाता है। तो लड़का का है कपड़ा, और जैसे कि मैं सारे सामान रख रही थी तो बैग में नहीं घुस रहा था, तो पापा बोले दो मैं रख देती हूँ। तो पापा एक एक करके अच्छे से एक जमा जमा के अच्छे से रख दिए और चैन अच्छे से बंद कर दिए। मैं रख रही थी तो मेरे से नहीं एडजस्ट हो रहा था लेकिन पापा अच्छे से एडजस्ट कर दिए। तो सारा पैक करने के बाद मैं नीचे जाऊंगी और मामी जी को दे दूंगी और सबको दिखा दूंगी मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। तो गाँव में ऐसे ही होता है, कोई भी सामान लेके आता है तो सबको दिखा के फिर रख दिया जाता है। तो ये सारा पैक कर दिए हैं मेरे पापा। तो अब पैक करने के बाद मैं जैसे कि मम्मी के साथ जाऊंगी नीचे, मम्मी ने पहले ही दे दी थी, मम्मी एक दिन पहले ही आ गई थी। तो मम्मी बोल सोची कि अभी शांति है, गेस्ट लोग भी नहीं आए तो अभी शांति से दे देंगे सामान, तो अपना आराम से अच्छे से रख लेंगे। तो इधर सभी लोग जा रहे थे फर्नीचर का सामान लेने, तो ये नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पतिदेव पीछे बैठे हुए थे, सभी लोग गुंडा बन के निकले हैं। तो तीन भाई और पतिदेव बहुत तेज धूप निकली इसी वजह से गमछा बांधे हुए धूप के वजह से। सो फ्रेंड्स, तो इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। ये देखिए डुगू आते ही जब से आया है सिर्फ फ़ोन चला रहा है, कार्टून देख रहा है। यहाँ पे इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट लोग हैं इसी वजह से ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। ऊपर वो हवा चल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है गर्म गर्म हवा लग रही है इस टाइप का। जा रही हूँ अब कपड़े वगैरह चेंज करने, क्योंकि सूट पहन लूँगी, मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ ज़्यादा, इसी वजह से। तो मैं सोची इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और थोड़ा आई थी तो रेस्ट वगैरह करी और सभी से बात वगैरह करी हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई, शॉर्ट वीडियो और रील्स वगैरह बनाई हूँ।
तो मैं सोची चलिए अब चेंज कर लेते हैं। और अगर आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी क्या क्या मतलब तिलक में जाएगा। आज तिलक जाने वाली है मेरी सिस्टर की, मामा की लड़की की, तो सारा आधा से ज़्यादा सामान आ चुका है, अभी फर्नीचर बाकी है, गए हैं लेने। जब आ जाएगा तो आप सभी को दिखाऊंगी तिलक में हमारे मतलब हमारे रस्म में क्या क्या सामान जाता है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग का यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।